हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग सभी के सभी। आई होप सो सभी अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो अगर अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जितनी भी क्लासेस की नोटिफिकेशन होती है एज वेल एज बैंकिंग एग्जाम रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज होती है आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। बात करते हैं इस सेशन में, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2022 के लिए कंप्लीट 60 डेज का प्लान है, जिसमें आज डे 32 का टू डू लिस्ट आपके साथ शेयर करूंगा। अब आपको पता है कि आरबीआई असिस्टेंट की वैकेंसी भी रिलीज हो चुकी है, तो जो स्टूडेंट्स आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं या आप आगे चलने के आगे बढ़ने कितने भी क्लरिकल कैडर के एग्जाम है, आप जिस भी कैडर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये टू डू लिस्ट कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होने वाला है। और अगर आप अभी इस टू डू लिस्ट को कंप्लीट कर लेते हो, अभी इस टू डू लिस्ट का 60 डेज कंप्लीट कर लेते हो, दैट मीन्स आप अपने हर टॉपिक का फाउंडेशन स्ट्रांग कर लोगे। तो जब भी अब आपके पास वैकेंसीज आएंगी, यू जस्ट नीड टू ब्रश अप ऑल द थिंग्स। आपकी सारी चीजें तैयार है। वो होते ना कि एक बार हमने हथियार तैयार कर लिया, युद्ध से पहले उसको बस तेज करना होता है, दैट्स द थिंग ओनली आपके पास बच जाएगा। तो आप अभी पूरी की पूरी फाउंडेशन कंप्लीट कर लोगे, 20 या 21st of March तक आपका पूरा का पूरा ये टू डू लिस्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो आपकी फाउंडेशन बेहतर हो जाएगी। और एक बार फाउंडेशन बेहतर हो जाएगी तो फिर आपको मॉक टेस्ट के थ्रू खुद में इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत होती है। और जो बच्चे डे वन से फॉलो कर रहे हैं उनको खुद में कहीं ना कहीं डेफिनेटली इंप्रूवमेंट दिख रहा होगा। जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, जब आप पहले दिन टू डू लिस्ट के पहले दिन मॉक टेस्ट लगा रहे थे तब और डे 31 के बाद, अभी जब आपने मॉक टेस्ट लगाया होगा, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन योर मार्क्स। तो उम्मीद करता हूं आप सभी इसको डेली बेसिस पे फॉलो कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं सेशन को, बिल्कुल फ्रेश से स्टार्ट करेंगे। अर्ली मॉर्निंग 6 AM to 7:30 AM आपका आता है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, डे वन है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटिव टॉपिक लगता है बच्चों को, लेकिन यहां से 100% आपके एक या दो क्वेश्चन तो मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं मिलेगा ही मिलेगा देखने को, मिनिमम वन मैक्सिमम टू, क्योंकि एक स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का पिक कर लेता है, एक ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन ले लेगा या फिर एक बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन ले लेगा। तो यहां पे बोट एंड स्ट्रीम और ट्रेन, ये दो बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है जिससे क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसको थोड़ा सा डीपली जाकर पढ़ो, मैं इस पर थोड़ा टाइम भी आपको ज्यादा देने वाला हूं अदर टॉपिक से। नेक्स्ट आपका स्पीड मैथ्स आता है, 10 क्वेश्चन करने ही करने, नंबर सीरीज सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक से। और अगर आप चाहो तो मैं मेरी वीडियो देख सकते हो, मैं डेली आपके लिए सुबह में वीडियो लाऊंगा आप, जिसमें आपके साथ स्पीड मैथ्स बाई क्वेश्चन, लाइक अगर मैं 10 सिंप्लीफिकेशन रैंडम, जैसे मैं आपको बोलता हूँ ना कि आप रैंडम प्रैक्टिस करो मल्टीप्लीकेशन का, मैं आपको एट अ टाइम क्वेश्चन दूंगा 44 × 37 और बिना मल्टीप्लीकेशन की आपको सॉल्व करना है। इसकी अगर क्लासेस देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, सो दैट कि आपकी लाइव क्लासेस पे मैं अरेंज करवा पाऊं। 8 AM to 9 AM आपका न्यूज़पेपर रीडिंग आता है, इंडियन एक्सप्रेस, करंट अफेयर्स से करना है वहां से और वो कैप करना है। न्यूज़पेपर को जो आप रीड कर रहे हो तो करंट अफेयर्स की अगर कोई भी बैंकिंग रिलेटेड आपको न्यूज मिलती है तो उसकी पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, और जो भी आपके पास डेटा है वो आप ऐसे हेडलाइंस के थ्रू भी जाके कर सकते हो। नेक्स्ट वोकैब, जब आप एडिटोरियल पढ़ रहे होगे तो वहां से आपको वोकैब करना है, साथ साथ एडिटोरियल की स्किमिंग भी करनी है। नेक्स्ट आपका आता है 9:30 to 10:30 AM करंट अफेयर्स, जो करंट अफेयर्स अब आपने यहाँ पे हेडलाइंस के थ्रू पढ़ी होंगी उसकी डिटेल डिस्कशन यहाँ पे आपको आशीष गौतम सर की क्लासेस में देखने को मिलते हैं अड्डा 247 पे। तो इंपॉर्टेंट सेशन है, मिस मत करना। अभी से मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं साथ साथ, क्योंकि बहुत ही क्रूशियल, अगर बात करोगे आप मेंस की एग्जाम की तो करंट अफेयर्स एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें आप इजीली मार्क गेन कर सकते हो अगर आपकी नॉलेज है तो। नेक्स्ट 10:30 AM to 11 AM आपका एक मैंने मॉक टेस्ट रखा है, क्वांट का सेक्शनल मॉक टेस्ट, अटेम्प्ट करो, स्कोर देखो कितना जा रहा है। मॉक टेस्ट के लिए सोर्सेज क्या है, गाइडली ले लो या स्टडी नीति ले लो। अभी गाइडली पे ऑफर चल रहा है 80% का और शायद से आज लास्ट डे, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा जाके एक बार उसकी पहले देख लो कि कितने उसमें ऑप्शन है आपके पास। मेरे को लगता है हर एग्जाम के लिए सेक्शनल मॉक टेस्ट की बात करूं तो 40-40 मॉक टेस्ट है, प्लस टॉपिक वाइज 40-40 मॉक टेस्ट है। नेक्स्ट आपका आता है 2 PM to 3:30 PM 1000 पजल सीरीज तो लगाना ही लगाना, क्योंकि ये आपको पता है कि रीजनिंग की बैकबोन है, प्लस वन टॉपिक वाइज मॉक लगाओ, मतलब एक टॉपिक चूज करो, जैसे कि सिलॉग्स, आपको सिलॉग्स के आज कम से कम 40-50 क्वेश्चन का जो भी सेट होता है उसको कंप्लीट करना है। अगेन गाइडली पे फ्री में भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ये सारी चीजें आपको फ्री में मिल जाएंगी, इसके लिए पेड करने की जरूरत नहीं है। और स्टडी नीति पे शायद से पेड है बट गाइडली फ्री प्रोवाइड करवा रहा है आपको। नेक्स्ट 4 PM to 5 PM आपका आता है गाइडली का बंडल टारगेट, मैं फिर से बताऊंगा, आप अभी तक अगर परचेस नहीं किए
तो जरूर जाओ, क्योंकि आप एक टू-डू लिस्ट को फॉलो तो कर रहे हो बट टू-डू लिस्ट के लिए आपके पास एक प्रॉपर कंटेंट नहीं मिल पा रहा है। मैं आपको क्वांट का चेकलिस्ट दे रहा हूँ प्रयास सीरीज में, लेकिन रीजनिंग और इंग्लिश मैं प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा हूँ। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि गाइडली का अगर बंडल पीडीएफ आप परचेज कर सकते हैं तो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक तो है ये, और अगर आप कोड यूज कर दोगे VB12 आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। नेक्स्ट 7 PM to 8 PM आपका इंग्लिश आता है, इंग्लिश के फिर से 2 सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाए लगाने, इंग्लिश आपने बिल्कुल फाउंडेशन अपना कंप्लीट कर लिया है थ्रू ग्रामर, थ्रू RC और थ्रू वोकैब, तीनों चीजें आपकी क्लियर है। तो अब आपको सिर्फ अपने मॉक टेस्ट में स्कोर इंक्रीज करने, अपने मॉक टेस्ट को की एनालिसिस इंप्रूव करिए ताकि स्कोर अच्छे जा पाए। आरबीआई असिस्टेंट में आपको 100% आपको एक्यूरेसी चाहिए, 98-99% नहीं होगा दैट मीन्स सिलेक्शन नहीं होगा आपका फिर, क्योंकि कट ऑफ 96-95 ऐसे जाने वाली है डिफरेंट जोन की। 9 PM to 10 PM आपका था मॉक टेस्ट एनालिसिस, जो मॉक टेस्ट आपने डे 31 में कंप्लीट किया था उसका आप कंप्लीट एनालिसिस कर रहे होगे। सोर्सेज के लिए जो आपने गाइड, चाहे आपने गाइडली का लगाया हो, स्टडी नीति, टेस्ट बुक, प्रैक्टिस मॉक या ऑलिव बोर्ड, डिपेंड करते हैं आप पे, आपको एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट की सीरीज आपके पास होनी चाहिए। इसमें से आप जो भी परचेस करना चाहे कर सकते हैं, या अगर आपके पास ऑलरेडी 2 मॉक टेस्ट है तो देन आपको नया परचेस करने की जरूरत नहीं है। ये था मेरे अकॉर्डिंग डे 32 का आपका टू डू लिस्ट। उम्मीद करता हूँ आप डेली बेसिस पे इसको फॉलो कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं आपकी स्कोर में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि किन के कितने स्कोर आने, और आपने जो लास्ट मॉक टेस्ट लगाया था उसके स्कोर आपके कितने थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।